इसमें आने वाले समय ये जियो जैसा खेल है, जैसे जियो है ना, एक साल फ्री दिया उसके बाद बंद, और अब कौन सा घर है जिसमें जियो का ना हो और जो बिल ना देता हो, ये वही गेम है। इसलिए किसानों को समझ है कि ये तीन रास्ते। नमस्कार, ग्राउंड में टीम एक बार फिर से मौजूद है कुंडली बॉर्डर पर। लगातार चौथा दिन है आज हम यहाँ डटे हुए हैं दिन रात। हम आपको यहाँ की बारीक से बारीक खबर दिखा रहे हैं किसान आंदोलन से जुड़ी, ताकि यहाँ के हालात पूरी दुनिया का बच्चा बच्चा देख सके कि आज दिल्ली के बॉर्डर पर हिंदुस्तान में क्या हालात है। और हमारे साथ मौजूद हैं सर, क्या नाम बताया था? ईश्वर नैन, जो नफे सिंह नैन के पुत्र हैं और किसान यूनियन के प्रतिनिधि हैं, उनसे बात करेंगे। वो भी यहाँ पहुँचे हैं क्योंकि हरियाणा सरकार की ओर से एक बयान आया था मुख्यमंत्री का कि जो हरियाणा का किसान है वो इस आंदोलन में शामिल नहीं है, और अनिल विज का बयान आया था कि जितने भी हैं इस आंदोलन में कांग्रेस ने बहका कर इस आंदोलन में भेजे हैं और वो कांग्रेस के खरीदे हुए लोग हैं। ये दो सवाल बड़े अहम हैं। मुख्यमंत्री जी का सुन लिया आपने, गृहमंत्री सुन, पहले तो इन दोनों सवालों का जवाब दे, बाकी बात आगे करें। देखिए, या तो मुख्यमंत्री जी को ये पता नहीं हरियाणा में कौन है, और शायद अनिल विज जी को भी ये पता नहीं कि हरियाणा में कौन है। हरियाणा का किसान, पंजाब का किसान और पूरे देश का किसान बिल्कुल आज कुंडली बॉर्डर पर इसलिए बैठा है कि जो मोदी जी ने तीन काले कानून बनाए हैं, जिससे कि किसान की जो एक इंडस्ट्री थी, क्योंकि और इंडस्ट्री सारी खत्म कर दी, बेच दी है, आखिरी इंडस्ट्री खेती बची थी, इसको बेचने पर तुला हुआ है नरेंद्र मोदी। 5-10 आदमी जो देश के कॉरपोरेट जगत के बड़े आदमी हैं, उनकी कमाई कराने के लिए, उनको बसाने के लिए किसान को उजाड़ने पर तुला हुआ है। और किसान को यह समझ है कि आने वाले समय में इस कानून का क्या क्या नुकसान होगा और आने वाले समय में खेती कैसे मर जाएगी। सरकार जो दावा करती है, आपने कहा कि नुकसान होगा, सरकार दावा करे कि इस कानूनों से किसानों को बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। किस आके नरेंद्र मोदी जी किसानों के बीच में, उनके कृषि मंत्री जी, उनका कोई पढ़ा लिखा आदमी अगर यहाँ आके किसानों के बीच में एक लाइन दिखा दे कि इससे किसान को ये फायदा है, तो हम नरेंद्र मोदी जी की बात मान लेंगे। किसान बेवकूफ़ थोड़ा है कि आज अपने बच्चों को छोड़ के, आज अपनी खेती बाड़ी का बुआ, आज गेहूँ का काम चला हुआ है, अपने सारी खेती बर्बाद होने लग रही है, उसको पीछे छोड़ के आज सड़क पर बैठा है, ठंड में बैठा है, वो इसलिए आ कि उसको पता है कि इसमें MSP नहीं है। इसमें आने वाले समय ये जियो जैसा खेल है, जैसे जियो है ना, एक साल फ्री दिया उसके बाद बंद, और अब कौन सा घर है जिसमें जियो का ना हो और जो बिल ना देता हो, ये वही गेम है। इसलिए किसानों को समझ है कि ये तीन रास्ते। आज जब कॉरपोरेट जगत का आदमी था, उसने पूछा कि मुझे व्यापार करने के लिए रास्ता खोलो, एक रास्ता खोला, एक कानून बनाया, दूसरा रास्ता खोला, दो कानून बनाए, तीसरा रास्ता तीन कानून बनाए। और मैं आपको एक और बताना चाहता हूँ, खाप पंचायतों की बात, और जैसे आपने क्वेश्चन किया, कल खाप पंचायतों की बैठक रोहतक में हुई, मैं भी उसमें शामिल था। अच्छा। वहाँ पर खाप पंचायतों ने यह फैसला ले लिया कि हम दिल्ली के लिए कूच करेंगे। सभी खाप पंचायतों ने, सभी खाप हरियाणा की, बिल्कुल हरियाणा की सरो खाप ने फैसला लिया। सभी प्रतिनिधि थे वहाँ, सभी प्रतिनिधि थे वहाँ पर, 50 से ज़्यादा खापे आई हुई थी, और खापों ने यह फैसला किया कि आज, क्योंकि कल मीटिंग हुई थी, आज सारी खापे अपनी अपनी खापों में मीटिंग करने लग रही है और कल से दिल्ली कूच कर जाएंगी। और उन्होंने ये भी फैसला लिया कि जितने हमारे साथी किसान, चाहे हरियाणा का हो, चाहे पंजाब का हो, चाहे कहीं से आया हो, उनकी सेवा करना, और जो हमारी बेटियां और जो बहनें आई हैं उनकी सेवा करना, और यहाँ लंगर में हर तरह की सुविधा देना, कंबल से लेके बिस्तर से लिए, और जो यानी कि तन मन धन से इस आंदोलन में शामिल हो गई हैं सभी खापें, जैसा कि आपने बताया। अब देखना होगा कि जो हरियाणा की बड़ी बड़ी खापें हैं उनका समर्थन मिल चुका है, जैसे कि नैन साहब ने हमें बताया, उन्होंने किसान आंदोलन को समर्थन देकर तन मन धन से शामिल भी हो गए हैं वो लोग किसानों के साथ। तो इस हिसाब से लगता है कि दिल्ली बॉर्डर जो है वो करोड़ों की संख्या का जो जनसैलाब किसान आंदोलन का है, वो यहाँ से तब तक हटने के मूड में नहीं है जब तक देश की सरकार, प्रदेश की सरकारें इस कानूनों को वापस नहीं लेती। जुड़े रहिए आप ग्राउंड मीडिया से, ग्राउंड मीडिया से आपको लगातार जमीन से जुड़ी हर रिपोर्ट दिखाते रहेंगे। ग्राउंड मीडिया से मैं हरीश कपूर, अपने कैमरामैन सहयोगी जोनी भारद्वाज के साथ, दिल्ली के कुंडली बॉर्डर से। राष्ट्र निर्माण की जानकारी के लिए ग्राउंड मीडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।